हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन स्मार्टफोन के बारे में जो दोस्तों आपको 25,000 के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपका तलाश एक गेमिंग फोन के लिए है तो गेमिंग फोन भी देखने को मिल जाएगा, बेस्ट डिस्प्ले वाला फोन देखने को मिलेगा, कैमरा भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, यानी कि सभी एस्पेक्ट्स आपको तगड़े तगड़े देखने को मिलने वाले हैं, और एक आपको ऑलराउंडर फोन भी देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए दोस्तों, साथ ही वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोको X5 Pro के बारे में। अगर आप एक गेमिंग फोन लेना चाहते हैं तो इस फोन को ले सकते हैं। स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर देखने मिल जाएगा दोस्तों, यानी कि गेमिंग के लिए कोई भी टेंशन लेना नहीं है, इसमें आपको गेमिंग शानदार रहने वाला है। साथ ही तगड़े तगड़े स्पेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 120Hz का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। साथ 5G बैंड के साथ देखने को मिलेगा। ट्रिपल कैमरा का सेटअप आपको बैक साइड में देखने को मिलता है। 108 MP का प्राइमरी सेंसर होगा, 4K वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड करके देगा बैक साइड से। 16 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है, और फोटो वीडियो से आपको कोई शिकायत नहीं रहने वाली है। 5000mAh की बैटरी, 67W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, और यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो 23,000 के अंदर आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, और 25,000 के अंदर आपको 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोस्तों अगले फोन के बारे में तो Realme 10 Pro Plus देखने को मिल जाता है 25,000 के अंदर, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, प्रीमियम लुक और प्रीमियम डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 120Hz का AMOLED डिस्प्ले, HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलता है, प्लस आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, और इसमें आपको MediaTek Dimensity 1080 देखने को मिलता है। नॉर्मल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा, हैवी गेमिंग करना चाहें तो गेमिंग के लिए ये प्रोसेसर ठीक ठाक नहीं है दोस्तों, यानी कि नॉर्मल गेमिंग आप कर पाएंगे। परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कैमरा आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप प्राइमरी देखने को मिलता है 108 MP का, और यहाँ पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। 16 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी और 67W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 9 5G बैंड के साथ आपको ये फोन देखने को मिलता है। अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, अच्छा फोन है। लुक और डिजाइन के मामले में डिस्प्ले भी आपको काफी प्यारा देखने को मिल जाता है। अगर आपको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए 25,000 के अंदर तो iQOO Neo 6 बेस्ट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा। लुक और डिजाइन आपको डिसेंट सा देखने को मिलता है, लेकिन गेमिंग के लिए बेस्ट रहने वाला है। डिस्प्ले आपको 120Hz का AMOLED देखने को मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा। साथ ही कैमरा आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप बैक साइड में देखने को मिलता है। प्राइमरी सेंसर आपको 64 MP का देखने को मिल जाएगा। OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 4K वीडियो आप 30 FPS पर रिकॉर्ड कर पाएंगे रियर साइड से, और फ्रंट साइड में आपको 16 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। बैटरी आपको यहाँ पर 4700mAh की देखने को मिल जाती है, और 80W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है। अगर आप एक ऑलराउंडर फोन लेना चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। 25,000 के अंदर 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा, अमेजोन से आप इसको खरीद सकते हैं। और तीनों फोन में से कौन सा फोन आपको ज़्यादा बेस्ट लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा।